आप शब्द सुनाएंगे कोई? आज गला नहीं ठीक है, गला ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? नहीं मैं सुनाता। राधा स्वामी, आपने कभी सत्य शब्द सुन लिया? कोई भी सुखिया नहीं है दुनिया में। किसने मारा कभी समझे भी क्या? आशा और तृष्णा, आशा तृष्णा, तृष्णा हमने किसने चीज चीज की महसूस करते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। क्यों ऐसा क्यों है? ये तृष्णा क्यों है, आशा क्यों है? क्योंकि हमें उस मालिक पर विश्वास नहीं आया कि हमारा कोई मालिक है। मुझे परमदयाल जी महाराज एक बात सत्संग में बात कही, जब मुसलमान किंग यहाँ आया इब्राहिम अलाउद्दीन खिलजी, बड़ी लूट की उसने, तो दिल्ली की लूट हुई बहुत ज़्यादा, तो उनका एक नौकर था सेवक, सभी जनकों को कहा लूट लो, जो जिस जिसने लूटना लूट लो, लो दौड़ गए तो लोटी लूटा, बहुत लूटा, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। वो सेवक नहीं गया, उसको बुलाया, भाई तू क्यों नहीं गया, इतनी लोगों ने धन इकट्ठा किया है, तेरे को जरूरत नहीं है, तू क्यों नहीं गया? कहता महाराज जब आप हैं तो मुझे लूट की क्या जरूरत है, मुझे आशा करने की क्या जरूरत है, मैं क्यों तृष्णा करूं कि मुझे वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जब आप मेरे सिर पर हैं, आप मेरी हर जरूरत को पूरा करते हो, तो मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, क्योंकि आप सब कुछ मुझे दे रहे हैं। मेरी बात को समझा? इसलिए संतों ने क्या कहा, कबीर साहब ने क्या कहा, संत कैसे सुखी हुए, कैसे उनको सुख मिला? संत सुखी मन जीते हो, मन की कल्पना को रोक दिया, मन को समझा दिया कि तेरे मांगने से, तेरी दौड़ धूप से कुछ नहीं होगा, लिखा जो लिख दिया मालिक ने वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बात मेरी समझ रहे हो? जो मिला, जो लिख दिया है, कुदरत तुम्हें उस तरफ ले जाएगी। जो चीज भी तुम्हें जिंदगी में मिलनी है, कुदरत तुम्हें खुद उधर ले जाएगी, तुम्हारे अंदर एक लालसा पैदा करेगी, तुम्हारे अंदर एक विचार पैदा करेगी कि इधर चल, और तुम चल पड़ेगे। अगर तुम मन के पीछे लगे तो हो सकता है जो तुम चाहते हो ना मिले, तुम दुखी होगे। तो इसलिए जो संतों ने कहा, इसलिए गुरबाणी में भी लिखा, मन को बेचे सतगुर पास, जिस सेवक के कार्य रास, उसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे मैंने सुबह कहा, मुझे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि 18 साल की उम्र में विश्वास हो गया था कि ये बाबा फकीर नहीं है, कि मालिक कुल है, और मुझे इन्होंने अपने श्री चरणों में बुलाया है, मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं, इसलिए मुझे क्या चिंता, किस बात की चिंता। और जो वो करते गए, मैं जिधर बोले करते गए, मैं लगा रहा, लगा रहा, लगा लगा, और तो आपके सामने बैठा। मेरी बात समझ गए? इसलिए आज मैं आपको एक शब्द सुनाता, कबीर साहब का शब्द निकालो। क्या है शब्द का नाम? मानुष जन्म सुधार। तू जन्म को कैसे सुधार सकता है? जैसे जो दुख बताया ना कबीर साहब ने, कि सब दुखिया है, राजा भी दुखिया, जमीन भी दुखिया, साधु भी दुखिया, जोगी भी दुखिया, तपस्वी भी दुखिया, जहां तक ये कह रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी दुखिया, वो भी नहीं बचे, और हम उनकी पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? जब वो दुखी हैं तो तुम्हें क्या देंगे? उनके तो गाल में फांसी है, उनको तो ड्यूटी लगी हुई कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, उनको जन्म नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझिए, शास्त्र कहते हैं कि जो देवता हैं, जो सुर हैं, वो तरसते हैं कि हमें भी मानव का जन्म मिले, हम भी अपने मालिक के साथ जाकर मिल जाए, वो मालिक को नहीं मिल सकते, केवल एक इंसान है जो उसको मिल सकता है। कैसे? जन्म सुधार कर। जन्म कैसे सुधरेगा? सभी संतों ने लिखा, सभी संतों ने सत्संग दिए, कबीर साहब ने सब कुछ लिख दिया, गुरु नानक साहब ने सब कुछ लिख दिया,
स्वामी जी महाराज ने सब कुछ लिख दिया। मेरे बाबा फकीर ने डंके की चोट पर 95 साल तक इस दुनिया को समझाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं माना। और अंत में पता क्या कहा उन्होंने, आखिरी जो शब्द उन्होंने यहाँ कहते थे 87-88 में, बेकदरा ना दोस्ती तैकू लाई हंस, कहा करते बेकदरा ना दोस्ती तैकू लाई हंस, मास मास तेरा कावा खाता ते गलियां रो गए पंख। कितना दर्द था उनके अंदर में, कितना दर्द था, इस दुनिया ना प्यार करने ना कुछ नहीं मिलना, क्योंकि ये तो गिद्ध है, गिद्ध कौए है, चमक लेते हैं आपको, आपको खाते हैं, इसलिए मांस खाते हैं ये तुम्हारा, और तुम्हारी हड्डियाँ जो है वो कहाँ पर, पंख कहाँ पर, गलियों भर गए। सभी संतों ने ये दुख महसूस किया। दत्तात्रेय जी महाराज ने लिखा, क्या कहा उन्होंने, सुनते नहीं है गाफिल दुनिया के मेरा कलाम, ये दुनिया वाले मेरी बात को सुनते नहीं है, बेदार हो के कहता हूँ तबीर ख्वाब की, मैं जागता हुआ, समझता हुआ, विवेक रखता हुआ, अनुभव रखता हुआ दुनिया को समझा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात भी कोई नहीं सुनता। सब संतों ने यही कहा, लेकिन दुनिया क्यों नहीं मानी, क्योंकि ये कलयुग है, काल का, काल की दुनिया है, काल काल है समय, हम समय के साथ साथ हर समय बदलते रहते हैं, सुबह और दोपहर को और शाम को और रात को, और हमारा मन बदलता रहता है, ठहरता नहीं। जब मन ही नहीं ठहरता तो तुम्हें मिलेगा क्या, जब तक ठहरोगे नहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहब की वाणी आपको सुनाता हूँ कि हमें सुख कैसे मिलेगा, हमें तुम्हारे दुख कैसे जाएंगे, हमारी मनोकामनाएं कैसे पूरी होगी, होगी कौन सी, जो अलॉटमेंट हो गई हुई वो ही मिलनी है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे एक बात फिर याद आ गई, इसको शुरू करने से पहले परमदयाल जी महाराज ने कहानी सुनाई हुई है, उनके मुखारबिन से मैंने जान बैठ कर सुनी हुई। पाकिस्तान में, तब तो हिंदुस्तान सारा था ना, पाकिस्तान था ही नहीं, अब पाकिस्तान कहाँ था, अफगानिस्तान भी नहीं था, ये भूटान वगैरह कुछ भी नहीं थे, सब हिंदी 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 था, भारत ही भारत था। तो वहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़े संत की कोई कब्र है, मज़ार उसको कहते हैं उर्दू में, तो वहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता था, जैसे हमारे बैसाखी पर हमने भी लगाना, जहाँ ऐसे ही देश में बड़ी जगहें हैं जहाँ हर साल कोई ना कोई बड़े त्यौहार होते हैं, तो वहाँ एक त्यौहार लगता था हर साल, तो वहाँ उस पीर की, उसके पीर की अजमत को मानते हुए बड़े बड़े गायक वहाँ जाते थे, कवाल, कवाली जानते हैं ना, वो बहुत मस्ती से वहाँ गाते थे, जैसे अजमेर में एक दरगाह है बहुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह, मैंने वो देखी है, वहाँ भी बड़े बड़े गायक आकर वहाँ उनकी सिफ्त करते गाते हैं, तो वहाँ भी आए हुए थे। वहाँ एक लड़की थी और वो भी उस पीर को मानती थी, उसने अपने मन से लिखा हुआ एक शब्द गाया, बहुत लगन से गाया, और वो पीर बहुत खुश हुआ जो वहाँ संत बैठा था। जब वो लड़की गा के बैठ गई तो उसने कहा, बेटी आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, आपने दाता की बहुत प्रशंसा की है, आपने गुण गाया है, तुम मांग क्या मांगती है, तुम मांग, जो मांगेगी मिलेगा। वो कहती, महाराज पीर जी मुझे मालिक ने बहुत कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने फिर कहा कि मांग ले, मैं बहुत खुश हूँ। उसने कहा, पीर जी मुझे मालिक ने बहुत कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उसने तीसरी बार फिर कहा मांग ले, तो उस लड़की ने उस पीर को कहा, उस साधु को कहा कि अगर आप इतने प्रसन्न हैं महाराज, तो आप मुझे वो दे दीजिए जो मेरी किस्मत में नहीं है, वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है, और वक्त से पहले दे दो, समय से पहले, अगर साल के बाद वो चीज़ मिलनी मुझे अभी दे दो।
ये दो बातें उस लड़की ने उस महात्मा को कही और वो उठकर अपने कमरे में गया, अपने कमरे में गया और अपने कमरे में जाकर उसने अपना मुंह काला कर लिया, मुंह काला करके वापस आया और उस लड़के को कहता, बेटी मैं अहम में आ गया था, मैं अहम में आ गया था, मैं अपने आप को भूल चुका था कि मेरे मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, जो लिखा है बेटी वो ही मिलना है, ना कोई आज तक उससे ज़्यादा दे सका है ना मैं दे सकता हूँ। और यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज हमेशा कहा करते थे, ओ मैं कुछ नहीं देता, तुम्हारा प्यार ले जाता है, तुम्हारा विश्वास ले जाता है। और शास्त्रों ने भी यही कहा, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज, अगर कोई महापुरुष बगैर ये कहते हुए कि मांग मैं तुम्हें देता हूं, वो गलत है। तुम्हारे बगैर मांगे, तुम्हारे बगैर कहे, अगर कोई वो आशीर्वाद दे देते हैं वो अटल होता है, क्योंकि उस वक्त वो अपने स्थान से बोलते हैं, वो ही बोलेंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, वो मन से नहीं बोलते। मेरी बात आप समझ गए? अब पढ़ो, मैं आपको पहले बैकग्राउंड बता दी है, अब बताता हूँ कि जीवन कैसे बनेगा। पढ़ो। मानुष जन्म सुधारो साधो, मानुष जन्म सुधारो। क्यों कहा? ये मानुष जन्म जो है ये दुर्लभ है, पता नहीं कितने अच्छे कर्म हमने किए और हमें ये शरीर मिला। कोई कर्म अच्छे किए ना तो तुम्हें देखो पांच कर्म इंद्रियां ठीक मिली, पांच ज्ञान इंद्रियां ठीक मिली, तुम्हारे अंदर मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है। और किसी और लंगड़े लूले को देखो जो पैदा होते ही चल नहीं सकते, उनको देखो। तो हमें तो पहले सबसे पहले उस मालिक का शुक्र करना चाहिए जिसने हमें एक तंदुरुस्त शरीर दिया है। इसलिए मानुष जन्म को मानो, तुम माल के कुल की अंश हो, ये विश्वास कर दो। तुम अगर अपने आप को कुछ और समझते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये दुनिया दुखी क्यों है? क्यों दुखी है? क्योंकि हम कुछ बने हुए हैं, हम बने हुए हैं ना। देखो जरा दुनिया को, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी जाति का गर्व करता है, कोई किसी पार्टी का गर्व कर रहा है, कोई निजी का गर्व कर रहा है, कोई गरीब। देखो दुनिया का खेल क्या है, ये सब धूल भलैया में पड़े हुए हैं, इनको असलियत का ज्ञान नहीं है, इनको सुबह शाम मालिक का शुक्र नहीं करना आता कि ऐ मालिक तुमने बहुत कृपा की है, दो वक्त का खाना दिया, पहनने को कपड़े दिए, रहने को अच्छा मकान दिया, गाड़ियाँ भी दे दी, अच्छी औलाद दे दी, अच्छा परिवार दे दिया, इससे पूरे तुम्हें और क्या चाहिए? बोलो आप, सब कुछ मिल जाएगा। जिस घर में सुख है, शांति है, प्रेम है, वहाँ तो सब कुछ अपने आप आ जाता है। जिस घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, झगड़ा है, द्वेष है, एक दूसरे के साथ नफरत है, वहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज भी होगा, कल भी होगा, होकर रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। क्या कहा मैंने? अब कैसे जन्म सुधारना है, कबीर साहब की वाणी ले रहा हूँ, चलिए। मानुष जन्म सुधारो साधो, धोखे काहे बिगाड़ो। कहते तुम धोखे में हो, इसको बिगाड़ रहे हो, क्या धोखा? आगे लिखते हैं वो, मैं जो समझा वो क्या, मुझे नहीं पता कबीर साहब का धोखा क्या है। मैंने जो समझा कि हम इंसान के रूप में पैदा हुए, माँ के गर्भ से पैदा हुए, इंसान के रूप में पैदा हुए, जैसे ही होश आई, जैसे ही अकल बढ़ी, तो हम कुछ के कुछ बन गए।
बने हुए ना, देखो जरा मैं किस किस का नाम लूं, किस धर्म का नाम लूं, किस मंदिर का नाम लूं, किस धर्म स्थान का नाम लूं, बचे हुए हैं कि नहीं, अटके हुए हैं कि नहीं, धोखे में पड़े हुए हैं कि भगवान वहां है। अब मैं अभी आ रहा था, अभी तो पता नहीं कितने बच्चे, कितनी औरतें, कितने आदमी पैदल चले हुए हैं, और उनके पीछे चार पांच, तीन चार, चार लोग बड़ी बड़ी फोटुआ कंधों पर रखे हुए चले हुए हैं, किसी जगह को जा रहे हैं, पैदल चले हुए हैं। गर्मी में कहाँ पानी मिलेगा, पहाड़ों में जाएंगे, कितनी तपश है, सभी बीमार होके आएंगे। बात मेरे समझ गए, ये क्या है, धोखा है, क्योंकि हमें धोखा दिया जा रहा है। दुकानें खुली हुई हैं मेरे देश में, धार्मिक धर्म की दुकानें, ये ज्योतिषियों की दुकानें। मेरे दादा ने तो सीधा कहा, मेरे देश को सबसे ज्यादा लूटने वाले कौन हैं, सबसे ज्यादा बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, सबसे ज्यादा लूटने वाले मेरे देश में आजादी के बाद राजनीतिज्ञ हुए हैं, पार्टियां हैं हमें लूटने वाले। दूसरे नंबर पर ये जो ज्योतिषी ज्योतिष लगाते हैं या अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए, ये दो नंबर के सबसे ज्यादा लुटेरे हैं। और तीसरे नंबर पर अंधविश्वास, धर्म के नाम पर, देवियों के नाम पर, देवताओं के नाम पर हम सब लूट रहे हैं। जबकि ए इंसान, तू क्या है, तू अख, तू क्या है, तू है नर नारायणी देह में तू आया हुआ है, तू अशरफ मखलूकात है, तू कौन है, तू टॉप ऑफ द क्रिएशन है, तेरे मुकाबले में तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, ना जीव है ना जंतु है, सब आपसे डरता है, सब डरते हैं। एक तरखान था, तरखान जंगल से लकड़ी लाया करता था, उसका लड़का कहता है, पापा मुझे भी सिखा दो कुछ काम, मैं भी लाया करूँगा लकड़ी। कहते बेटे जितनी मर्जी लकड़ी ले आना, लेकिन एक ख्याल रखना, शेर से बचकर रहना, शेर से। अब उसने को शेर देखा तो था नहीं, कहाँ शेर देखा था उसने, तो वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने हाथी देखा, हाथी देख के दौड़ के आ गया, दौड़ के आ गया, पापा पापा बहुत बड़ा देखा मैंने, इतना बड़ा सूंड था, ऐसे कर रहा था, वो शेर तो नहीं था, और नहीं बच्चा वो शेर नहीं था, वो नहीं शेर था। फिर गया, फिर देखा जैबरा, देखा बड़ी ऊंची गर्दन उसकी, तो दौड़ कर घर को आ गया, कहता बाबा आज मैं बड़ा ही देखा होता, पक्का शेर था, वो तो ऊपर से पकड़ लेता था सबको। अच्छा कहता चलो दो तीन मसाले मैं आपको दे रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि शेर का बच्चा कहीं आ गया, तो उसने उसको पकड़ा और उसने दरख्त के दरख्त को काट काट कर काट काट कर उसने खुट बना दी और उसके आगे दरवाजा लगा कर उस बच्चे को वहां बंद कर दिया, उस बच्चे को वहां बंद कर दिया और आया लकड़ियां, पापा आज तो ना मैंने एक बड़ा सुंदर जानवर देखा, मैंने उसको पकड़ कर ना, मैं घर नहीं लाया उसको, तो मैंने उसको दरख्त, बड़े दरख्त के काट काट करके उसमें उसका पिंजरा बना के वहां बंद कर दिया। कहते अच्छा बच्चा, कुछ और तो नहीं था, नहीं कुछ और नहीं था, बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, मुझे नहीं पता वो क्या था। तो कहते चल मुझे दिखा, चल मुझे दिखा, वो साथ गया, कहता यही है शेर का बच्चा, जब ये बड़ा होगा ना तो तुम्हें एक ही झपट में मार कर खा जाएगा। तो क्या मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, हम शेर के बच्चे हैं, हमें इन पखंडियों ने अपने अपने खुटे बनाई हुई हैं और हमें पकड़कर वहां बंद किया हुआ है, हम वहां से निकलते नहीं। क्या कहा मैंने, मैं दर्द से बात ये कह रहा हूँ, दर्द से बात कह रहा हूँ। शेर के बच्चे, मेरे दादा कहा करते थे तुम शेर के बच्चे हो,
तुम शहनशाह के बच्चे हो, लेकिन तुम अटके हुए हो, तुम धोखे में हो, वहाँ जे मिल जाएगा वहाँ। मैं आपको फौरन का वहाँ क्या है, दे बिलीव ओनली इन वन थिंग, दैट इज वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, बाकी कुछ भी नहीं है। काम हम क्या करते हैं, काम हम करते हैं लेकिन हमारी नीयत ठीक नहीं है। जिस भी काम को करते हैं हम नीयत को खराब होकर करते हैं। तुम देखो मेरे देश का हाल क्या है, दूध बेचने वालों की नीयत ठीक है, सब्जी वालों की नीयत ठीक है, दुकानदारों की नीयत ठीक है, कोई होगा धर्मात्मा 100 में से एक जिसके कारण ये धरती खड़ी है। सब ने लूट डाली हुई है, सब ने लूट डाली हुई है, कहीं भी चल जाओ कोई सत्य नजर नहीं आता। ये क्या है, किसी को विश्वास ही नहीं है कि मैंने चले जाना है। क्या है, कितनी जिंदगी है हमारी, कोई 50 साल जी लेगा, 60 साल जी लेगा, एक दिन तो बाजा बजना ही है। तो उस समय को याद करके जिंदगी को गुजारो, और जो दिया उसने उसमें विश्वास रख के अपने जीवन को खुशी से गुजारो, सुबह शाम उसका शुक्र किया करो, जागते समय शुक्र करो मैं दोबारा पैदा हो गया, नहीं तो कहीं सोया ही नहीं रह जाता। क्या कहा मैंने, मैं बहुत दर्द दिल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक फकीर का स्थान है, एक फकीर का स्थान है। तीन फकीर बहुत ऊंच कोटि के, फरीद कहता है, फरीद कहता है, फरीद ने बड़ा अच्छा कहा, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत को खा गया, फिक्र जगत का पीर। हम डरते हुए तो किसको मानते हैं, फिक्र लगा ज्योतिषी के पास गया, उन्हें देखो तो ग्रह की गंदे है, वो पहले तैयार बैठा राहु लगाया बताने के लिए, फिर कहीं और जाएंगे वहां भी तुम्हें लूटने वाले बैठे हैं। तुम्हारी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, तुम्हारे लिखे लगात को कोई नहीं बदल सकता। हाँ एक बदल सकता है, कौन बदल सकता है, संत सतगुरु वक्त बदल सकता है, जिसने आपसे कुछ लेना ना देना है। बात समझे आप, इसलिए फिक्र कर, फिक्र किस बात का करते हो, सवाल एक सवाल पैदा होता है, आशा मेरा आशा और दिल में ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए। दाता दयाल ने बड़ा क्लीन, आस कर गुरु की दया की हो ना तू निराश कभी। अगर गुरु की आस कर लो कि मेरे सिर पर मेरा गुरु बैठा है तो फिर मांगने की जरूरत क्या है। आस कर गुरु की दया की हो ना तू निराश कभी, जो हुआ निराश समझ ले तू ना गुरु का दास कभी। फैसला ही कर दिया तो गुरु का कौन है, सिर्फ जो कभी निराश नहीं होता, जो आशावान है, जिसके मन में विश्वास है कि मेरा मालिक है और जो वो कर रहा है वो मेरा बड़ा ही कर रहा है, मेरा कभी बुरा हो नहीं सकता। यही मेरे दाता फकीर जी महाराज कहा करते थे, विश्वास करो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, आपका कभी बुरा होगा ही नहीं क्योंकि तुमने विश्वास कर लिया। आगे पढ़ो, ऐसा समय बहुई नहीं पई हो, फिर पढ़ो, ऐसा समय बहुई नहीं पई हो, जन्म जुआमती आरो धोखे काहे बिगाड़ो। अब कबीर साहब कहते हैं ऐसा समय दोबारा नहीं आएगा। अब तुम खुद सोच लो, जो अब समय है ये कल को नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है, तो जो भी समय तुम्हें मिला उसको तुम क्यों बर्बाद करते हो, क्यों बर्बाद करते हो। जब भी समय मिले जो भी काम करो उस मालिक के नाम पर करो, जब भी खाने बैठो उस मालिक को अर्पण करके खाओ, जब खाना खत्म हो जाए तो उसका शुक्र करो,
काम पर जा रहे हो ये समझो कि मैं तेरे काम पर जा रहा हूँ, मेरा तो है ही नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे दादा बाबा फकीर ने तो रास्ता ही बहुत क्लियर कर दिया, बहुत साफ कर दिया। तुम हर वक्त अपने गुरु के साथ जुड़े रहोगे, खा भी उसके नाम पर रहे हो, शुक्र भी उसके नाम पर कर रहे हो, काम भी उसका कर रहे हो, सोने लगे भी उसको याद करते हो, जागते समय भी उसको याद करते हो, बाहर जाना है तो उसको याद करते हो, वापस आते हो तो उसको याद करते हो। तो बताइए तो तुम तो उसके नाम में रम गए हो। कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, क्या कहते हैं कबीर साहब, फिर पढ़ो यही लाइन। ऐसा समय बहु नहीं पाए हो जन्म जुआर मची हारो हो। जन्म क्या है, जुआ है, जुआ जानते हैं ना, एकदम ही आदमी हार जाता है, बड़ा पैसा लगा दिया हार गया, क्या क्या जो हमारा क्या है, हमारी दौलत क्या है, हमारी दौलत है क्या, सुनो ध्यान से, हमारी दौलत हमारा सांस है, और क्या कहूँ, हमारी दौलत हमारा आने वाला जाने वाला सांस है, इसको संभालो। गुस्से में आदमी होता है तो धड़ 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 सांस चलता है, वो अपना जुआ खेल रहा है, अपना समय खराब कर रहा है गुस्से में क्रोध में, आप समझ गए ना। तो मैं क्या क्या मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करूं, इस समय को, हर समय को, यहाँ तक कह दिया श्वास श्वास सिमरो गोविंदा, संतों ने तो जहाँ तक कह दिया कि सांस सांस के साथ उसको याद करो, क्योंकि सांस है तो तुम हो, और सांस क्या है, कौन लेता है, तुम्हें पता है सांस कहाँ से आ रहा है, तुम्हें तो पता ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर एक हस्ती बैठी है। इस पर मैं बैसाखी पर बोल दूंगा, तुम्हारे अंदर एक हस्ती बैठी है, वो मालकी कुल की अंश है, उसको संभालो, उसको देखो कहाँ है वो, तब तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। जब तक मन में है तब तक हम धोखा खाएंगे, मन की जंजीरों में बंधे रहेंगे, मन हमें मारेगा भी और मन हमें खुश भी करेगा और मन हमें दुख भी देगा, मन ही है, मन ही हमें पराया बनाएगा, मन ही हमारा दुश्मन बनाएगा, मन ही हमारा मित्र बनाएगा, मन ही और क्या है, मन ही सब कुछ कर रहा है। तुम जब तक मन में हो तो इसको गुरु को हवाले कर दो, इसको गुरु के हवाले कर दो। जब मन विचलित हो तो अपने गुरु को याद करो, जब मन दौड़े इसको गुरु को याद करो, तो देखो तुम्हारे जीवन में कितना रंग आता है, करके देखो। ये तो मेडिसिन है, जल्दी खाओगे जल्दी असर हो जाएगा, नहीं खाओगे घर में जाकर रख दी तो कोई असर नहीं होगा। आगे पढ़ो। गुड्डा गुड्डी ख्याल जिन भूलो, गुड्डा गुड्डी ख्याल जिन भूलो, मूल तत्व लाओ। अब वो कहते हैं कबीर साहब, गुड्डा गुड्डी क्या, स्त्री और मर्द, हम यही समझते हैं ना। वो कहते हैं इसमें क्यों पड़े हुए हो, स्त्री में भी वही है, मर्द में भी वही है, बच्चे में भी वही है और बड़े में भी वही है, अमीर में भी वही है, गरीब में भी वही है, मुसलमान में भी वही है, ईसाई में भी वही है, सिख में भी वही है, और जो बाकी है, हिंदू शब्द तो मैंने कहीं शास्त्रों में नहीं देखा, ये तो हमने बनाया, उसको हम कहेंगे सनातन धर्म में भी वही है, वास्तव में धर्म सनातन धर्म है और कुछ नहीं, क्या कहा मैंने। तो वो कहते हैं तत्व को पहचानो, गुड्डा गुड्डी ना से देखो कि ये लड़की है या लड़का है या औरत है या मर्द है, बाकी कबीर सब जाने क्या कहना चाहते हो तो वो जाने, मैं जो समझा हूँ वो कहते तुम उसमें तत्व को देखो, यही लिखा है ना, तत्व क्या है कि उसके अंदर क्या है, शरीर नहीं है,
हम शरीर नहीं है, ये तो कुदरत ने हमें बनाया है, एक प्रकृति है एक पुरुष है। प्रकृति और पुरुष जब तक नहीं होंगे यह संसार नहीं चलेगा। ये लॉ है कुदरत का, ये कुदरत ने पैदा किए हैं। जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है, जहाँ ठंड है वहाँ गर्मी भी है ना। तो ये दो चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन इनको समझना है हमने कि वास्तव में इसमें असलियत क्या है। ये मौसम क्यों बदलते हैं, ये बारिश क्यों होती है, सूरज क्यों चढ़ता है, सूरज क्यों ग्रुप होता है, जरा थोड़ा सा इस पर विचार करो बैठकर, आपको समझ लगने लग जाएगी कि ये कोई एक ताकत है जो सारा खेल खेल रही है। तो ताकत, वो जो ताकत सारा खेल खेल रही है, जो ब्रह्मांड को चला रही है, इस पिंड को भी वो चला रही है, क्योंकि ये भी पिंड ब्रह्मांड है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। जब लग घटे सो परिचय लाए, जब लग घटे सो परिचय लाए, तब लग कछु नहीं पाओ। अगले नाम में कहते हैं कि जब तक आपको अपने घट में यहाँ परिचय नहीं है कि मेरे अंदर क्या है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ो ये लाइन फिर। जब लग घट सो परिचय नहीं, तब लग कछु नहीं पाओ। धोखे काहे बिगाड़ो। परिचय किसका करना है, किसको, कौन सा परिचय, किसका परिचय लेना। परिचय मीन मुलाकात, जानना, समझना। वो घट में है तुम्हारे, अपने घट में, तुम्हारे शरीर में है वो। कभी वहाँ तक तुम जाते नहीं हो, बस मन कुछ पढ़ लिया उसको सत मान लिया। पुस्तक पुस्तक छोड़ तेरे भले की कहूँ, ये स्वामी जी महाराज ने लिखा, पुस्तक पुस्तक छोड़ तेरे भले की कहूँ। ये छोड़, इसको पढ़ना छोड़। तो यही तो मेरे दादा ने मुझे कहा, तभी तो मुझे असलियत का पता चला जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे तो ये कहा, बच्चा अपने मन की किताब पढ़ा कर ले, बस मैं मन में पढ़ना शुरू कर देता, अपने पाँव से शुरू किया इसको समझने के लिए, और देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया देखता गया, यहाँ पहुँच गया। पता लग गया कि बाकी सारा खेल कुछ भी नहीं है। क्या कहा, ये रोटियों का थैली है, रोटियों की, पानी की थैली है, खाओ तो तंदुरुस्ती, रोटी नहीं मिली तो राम नाम। बताओ रोटी के बगैर कोई जी सकता, नहीं जी सकता। गल्ला बनाई लोगों ने, उन्हें इन्ने साल रोटी नहीं खाती, मैं नहीं मानता। शरीर तो भोजन मांगता है, ये इसकी जरूरत है। पत्ते नहीं, कबीर साहब ने तो खंडन किया कि पत्ते खा रहे हो तुम, तुम्हें भगवान ने रोटी दी, तुम वो क्यों नहीं खा रहे, तुम शरीर के ऊपर राख लगा रहे हो, भगवान ने कपड़े दिए, तुम वो क्यों नहीं पहनते भाई। बहुत अच्छा लिखा हुआ है कबीर साहब ने, तो क्लियर किया हुआ है। तो इसलिए अपने खट में देखो क्या है, उल्टा घड़ा है ये, उल्टा घड़ा, उल्टा कुआं है, इसमें उल्टे होकर चलना पड़ेगा। उल्टे होकर चलोगे तो तभी मछली किधर को चलती है, मछली देखा आपने, मछली उधर को चलती जिधर से पानी आए, मछली उधर को नहीं चलती जिधर को पानी जाता है। मैंने इसको देखा है, मेरे गांव में एक दफा बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत बाढ़ आ गई, और हमारे घर के आगे एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें बड़ी मछलियां होती थी बहुत। तो पानी जब निकला, वहां से निकल मछलियां निकली, तो पानी तो इधर को जा रहा है बाहर को, तो मछलियां उधर को जा रही जिधर से तालाब था। वाह वाह वाह, कमाल है, ये इधर को क्यों नहीं जा रही जिधर पानी जा रहा है, उधर को जा रही जिधर उनका सोर्स है, जहाँ वो पली है, जहाँ वो पैदा हुई है। बात समझ गए। ऐसे ही हमारा घर यहाँ है, पिंड अंड ब्रह्मांड से पारा, वह है देश हमारा। ये किन के लिए मैं कह रहा हूँ,
जो असलियत को जानना चाहते हैं, जो दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं, उनके लिए मन को नियंत्रण करना है। मन की शक्ति को प्रयोग करो, जो चाहो मिल जाएगा। दुनिया में तरक्की करनी है तो मन और बुद्धि का प्रयोग करो, मन और बुद्धि को संभालो, मन की ताकत को संभालो, मन की दौड़ को संभालो और अपने काम में लग जाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। नौजवानों के लिए तो ये कहा है संतों ने, तो बाकी तो ऐसा जो भी क्या नाम जो भी नो नौजवानों के लिए नाम क्या है, क्या है नाम? हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लो फैसला ही हो गया नौजवानों के लिए, आप समझ गए? ये कॉलेज में जब पढ़ते थे तो टीचर्स ने बताया हुआ है, मैं नहीं भूलता क्या कहा मैंने। इसलिए फिर पढ़ो यही लाइन, जब लग घट सो परिचय नाही, तब लग तछु नहीं पाओ। जब वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। कौन कौन मिल गया? तुम्हारे अंदर जो तुम हो, वास्तव में जो तुम हो, जब वो मिल गया तुम शहनशाह हो जाओगे। तब क्या होगा? तुम मालिक के अंश बन जाओगे, फिर मालिक तुम्हारी अपने आप रक्षा करेगा, फिर मालिक तुम्हारी जरूरतों को खुद पूरा करेगा। कैसे करे? किसी न किसी के थ्रू कर देगा, कभी किसी के थ्रू कर देगा, कभी किसी के थ्रू कर देगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है। मैं कहता हूँ आज इस उम्र में कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया उस मालिक ने किया, उसने ही किया, और मैं तो केवल एक साधन बनकर रह गया हूँ। मैं कुछ नहीं किया है, आपको सत्य बताता हूँ। मैं दाता के दरबार में बैठा हूँ, छठी क्लास से लेकर जब मैंने समझा कि गुरु को कौन है, गुरु कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो मिल गए और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी सारी खत्म हो गई। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। तीर्थ व्रत आवे जब तप संयम, सुन लो। तीर्थ व्रत आवे जब तप संयम, या करनी मत भूलो। जप तप तीर्थ संयम, ये इनमें ना जाओ, इनमें मत जाओ, छोड़ो इनको, इससे कुछ नहीं होगा। क्लियर लिख दिया, निकाल लो व्रत जितने मर्जी कर। मैंने भी व्रत रखा था, दसवीं में जब पढ़ता था। क्यों रखा? कि गुरु मिल जाए। 10 दिन रोटी नहीं खाई, माँ परेशान, बात समझ गए? तो वो गुरुद्वारे, हमारे गांव में गुरुद्वारे ही है ना, मंदिर तो है नहीं, गुरुद्वारे गए। बाबा जी, बाबा करमदास जी बहुत अच्छे संत थे, उनको लेकर आई। क्या बाबा जी, चलो मेरा काका रोटी नहीं खाता, वो आ गए। तब मैंने सद्या, मंजे उत्ते बैठ के अपने कोल बैठा लिया। बेटा तू रोटी क्यों नहीं खाता? मैं कहा बाबा जी, मैं रोटी तब नहीं खाता, मैं गुरु नहीं मिलया, मैं गुरु मिलना चाहना। फिर की करेगा? फिर मैं रब न मिलना चाहना। तो फिर उन्हें पंजाबी च एक गल कही, मैंने हले तक नहीं भूलती, अन्न छोड़ करे पाखंड, ना वो सुहागन ना वो रंग। जब मैं रोटी खानी छती, ना वो सुहागन है तो ना वो रंगी है। रोटी खा, मैंने आप खराई रोटी बनाई, बच्चा तेरी आज पूरी हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? तू मेरे को आ जाया कर, जिस दिन तेरा टाइम लगे ना, मेरे को गुरुद्वारे आ जाया कर। उन्होंने फिर गुरबाणी सुना दी, बहुत कुछ उन्होंने मैंने बहुत गाइड किया, बात समझ गए? और गुरु की महिमा बहुत गाई उन्होंने, क्योंकि गुरु से मिलता क्या है। उस वक्त तो मुझे इतनी अकल नहीं थी, उस वक्त तो एक खोज थी कि गुरु मिल जाए। वो कहते मैं कह मारे तुम मेरे गुरु बन जाओ, मैं नहीं किसते गुरु बन जाओ, मैं गुरु के काबिल नहीं है, ये उन्होंने कहा। अब क्या कह रहे हैं तुम खुद देख लो। जप तप तीर्थ व्रत संयम, जो मर्जी करो, इससे क्या होगा? व्रत रखोगे तो पेट ठीक हो जाएगा, से ठीक हो जाएगी,
ज्यादा खाना एक दिन बाद पेट सुख मिलेगा, पेट को ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। जाप से क्या होगा, जाप जाप करने से मन ठहर जाता है। जाप करोगे कोई सिंबल किसी शब्द को जाप करोगे, जब पढ़ोगे ध्यान से पढ़ोगे, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बड़े सीन देखे। मैं एक बार गाड़ी में सफर कर रहा था, कहीं जा रहे थे, हमारा टूर था, तो सामने वाली सीट पर एक लेडी थी, तो वो सुबह सुबह उठकर वो पाठ करने लग गए। मैं बड़ा खुश हुआ, फिर भी पीरा बड़ा गुरुवाणी ना बड़ा प्यार है, गुरुवाणी जी पढ़ने लगी अच्छी गल है, सुख महसूस होंगे ना बंदे को, फिर लो जी कम अज कम बाणी तो पढ़ने लगी ना। और इन्नी देर में टैलीफोन आ गया, वो बाणी रखी टैलीफोन सुन लग गई, वो गल करी जाती गल, फिर टैलीफोन रख दिता, फिर पढ़न लग गई। वो दसो तो हूँ फिर काला पाठ होया, वो पाठ नहीं, पाठ का तल है कि तुम उसमें खो जाओ। जिस भी महापुरुष ने वो बात लिखी है वो तुम्हारे से बात कर रहा है, और तुम्हारा मन कहीं और है तो फिर तुम्हें क्या मिलेगा। बात मैं बहुत ऊंची कह रहा हूं, जिस भी महापुरुष की तुम वाणी पढ़ रहे हो तो समझो कि महापुरुष तुम्हारे से बात कर रहा है, तुम्हें कह रहा है, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी बदलती कैसे बदल। दाता दयाल जी महाराज ने लिखा एक जगह, मैं पढ़ा, जब वो कबीर जोग लिख रहे थे, कबीर जोग, तो दाता ने लिखा कि कुछ वाणी ऐसी आ गई कबीर साहब की जो मेरी समझ ना आए। मैं बहुत सोचा, फिर मैं कबीर को याद किया, कबीर साहब बताओ मैं क्या लिखूं। वो कहते मैं कबीर साहब आए, उन्होंने मुझे कहा, शिव व्रतलाल मेरा कहने का ये भाव है। क्या कहा मैंने, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी, इतनी, क्योंकि वाणी तो उनकी आकाश में है, सब संतों की वाणी आकाश में है, और उस वाणी में वो विराजमान हैं। अब तुम उनको वहां से ला सकते हो या नहीं ला सकते, ये तुम पर निर्भर है। क्या कहा मैंने, बहुत ऊंची बात कर दी मैंने, वो वाणी में उपस्थित है। गुरु न कभी मरता है, न गुरु कभी जन्म लेता है, गुरु वाणी है, गुरु अमृत है, और गुरु वाणी ही गुरु है। हम तो शरीर को जफ्फा पा के बैठ जाते हैं, तो बस यही गुरु है, और फिर गाँवे असि गावा दसी मेरा गुरु किस रास्ते आएगा, वो कहन मन दिया, वाणी में तो जान दे नहीं, वो उनको क्या मिलेगा, वो शरीर के साथ बने हुए हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज जी आ रहे हैं, बस दर्शन कर लिए, उस दर्शन से तुम पार नहीं हो गए, वो दर्शन और हैं, गुरु के दर्शन तुम्हारे अंदर हैं। और मेरे दादा बाबा फकीर जी ने दावे से कहा, वो सतगुरु तुम्हारे अंदर है, और उनके चरण प्रकाश हैं, और उनका स्वरूप शब्द है, उसको देखो तब तुम्हारा कल्याण होगा। बाहर के बैठे देखी जाते हैं, वो कुछ नहीं मिलना, मानसिक शांति मिलेगी तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने, सत्संग की महिमा है, लेकिन सत्य हो वहाँ, कहानियाँ ना हो, सत्य की बात कही जाए। कबीर साहब सत्य की बात कह रहे हैं, और वो ही मैं बोल रहा हूँ। क्या कहते हैं आगे पढ़ो, कर्म फंद में जुग जुग पड़ी हूँ, कर्म फंद में जुग जुग पड़ी हूँ, फिर मिल जानी में झूलो। बस अब सुनो, कबीर साहब कहते हैं जन्म के फंदों में तुम फंसे हुए हो, जन्म और कर्म के फंदों में फंसे हुए हो, और फिर जूनियों भोग रहे हो, और ये यूनि जो हमें मिली, आप मेरी बात को गौर से सुनना, हम यहाँ क्यों आए। हमारे पास कुदरत ने दो किताबें दी हुई हैं, बात को सुनना जरा ध्यान से, सूक्ष्म रूप से बात कर रहा हूँ। हमारे पास एक किताब बिल्कुल खाली है, दारी, दारी जानते हो ना,
एक डेयरी बिल्कुल खाली है, एक डेयरी वो है जिसमें हमने पिछले जन्म में कर्म किए हुए हैं। अशोक समझ रहा है, एक डेयरी वो है जिसमें हमने पिछले जन्म के अच्छे या बुरे कर्म किए हुए हैं, और एक डेयरी वो है जो बिल्कुल खाली है, कुछ करने कुछ कर्मगत कुछ पूर्वले लेख। पूर्वले लेख तो उस डेयरी में है, और बाकी करने जो कर रहे हैं वो इसमें लिख हो रहे हैं जो खाली है। आप समझ गए, जो पहली डेयरी जिसमें लिखा हुआ है, अगर तो हम उस डेयरी के मुताबिक चलते हैं जो कर्म लिख दिया हमें भोगने के लिए, किसी का देना है हमने वो दे दिया, किसी से लेना है हमने वो ले लिया, किसी को सुख दिया सुख मिल गया, जो कुछ भी हमने पीछे किया उसके मुताबिक हमें ये जन्म मिला है, और जो किसी का देना हम देने के लिए आए हैं, जो लेना लेने के लिए आए हैं। किसी को दुख दिया तो उसका दुख भी हमें मिलेगा, किसी को सुख दिया उसका सुख भी हमें मिलेगा। क्या कहा मैंने, बात को समझ गए? तो अगर तो हमने उस डेयरी के मुताबिक जीवन को गुजारा जो अलॉटमेंट हुई है, तो तुमने इनको देना जाके दे आओ, तुमने सुख इनको दिया सुख ले आओ, मेरी बात समझ गए? तेरे इतने बच्चे तूने पैदा किए, उनको ये किया ये किया ये किया, अब तुमने ये दुख भेजा, अब जाओ फिर दोबारा जाओ उनका जाके कर्जा दो, जड़ा रहता है जो कर्जा रहता है, समझ गए? अगर तो हम उसी के साथ जीवन गुजार गए, लिखा लडाट जो लिखा लडाट जो लिखा हुआ है, तो ये डायरी हमारी खाली रहेगी। क्या कहा मैंने? और अगर हम उससे अलावा मन के अधीन बुद्धि के अधीन समय के अधीन वक्त के अधीन कोई भी उसके अलावा काम करते हैं और गलत करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को तंग करते हैं, किसी को जो भी बुरा कर्म करते हैं हम, वो यहाँ लिखा जाएगा, अब वो तुम्हारे जन्म के लिए द्वारा बन गया। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूं। तो फिर क्या कहा संतु ने? क्या कहा? तेरी मौज में रहकर सदा मैं सुखी हूं। मौज का मतलब मैं वो करूंगा जो तू चाहता है, मैं अपने मन के पीछे नहीं जाऊंगा। गुरु मिला तो ये ज्ञान मिला कि मन को देखना है, मन के पीछे नहीं लगना है। जब तुम मन के पीछे नहीं लगोगे, समय समय पर बदलोगे नहीं, किसी को अच्छा समझते हो किसी को बुरा समझते हो, तो वो तो यहाँ भर जाएगा, और पिछली डेयरी तो तैयार है ना, ये डेयरी एक और बन गई, फिर जन्म लोगे। ये कह रहा कबीर साहब, पढ़ोगे ही लाइन। कर्म फंद में जुग जुग पड़ी हाँ। कर्म के फंद में है, हमें जन्म देने वाला कौन है? कर्म। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की ना तन सो फल चरखा। हम जहां पहली बार जब आए, क्यों आए? दुनिया का मेला देखने के लिए आए, दुनिया का मेला देखने आए, और यहाँ से अपने घर वापस जाने के लिए आए, वापस जाना है। वर्षा होती है तो आपने जब पानी बहुत चलता है तो देखा किधर को जाता है पानी किधर को जाता है? दरिया की तरफ। दरिया कहाँ को जाता है? समुद्र की तरफ। वो पानी दौड़ता है कि मैं समुद्र में जाकर मिल जाऊँ, जाता कि नहीं जाता? ऐसे हवा चलती है, किधर को जाती है? जहाँ वैक्यूम हो खाली जगह है वहाँ को जाती दौड़ी हवा। क्या कहा मैंने? सूरज की किरण जहाँ आती है और कहीं नहीं जाती, तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारा बैलेंस ठीक है तो फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ से हम आए हम वहीं वापस लौट जाएंगे, लेकिन पहले किताब साफ होनी चाहिए, नहीं तो दोनों जाके धर्मराज और जमराज के आगे रख देनी है। नहीं तो अगर नहीं विश्वास आता तो परमदयाल जी महाराज ने गरुड़ पुराण लिखा है, वो पढ़ के देख लो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उन्होंने सब कुछ क्लियर लिख दिया है,
तो हमें पता लगेगा कि हमारा हाल क्या है। हमने यहाँ कोई किताब नहीं लिखनी, कर्म की किताब मैं बात कर रहा हूँ, कर्म की किताब मैं कह रहा हूँ। हमने नया कर्म नहीं करना, जो जो वो करवाए, जो जो वो कहना चाहता है उसके मुताबिक जीवन को गुजारो, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। आगे चलो। ना कछु नहाए ना कछु धोए, ना कछु नहाए ना कछु धोए, ना कछु घंटे बजाए हो, धोखे काने बिगाड़ो। कोई नहाकर कहता फिर घंटी बजाता है, वह नहाते हैं फिर घंटियाँ बजाते हैं, फिर जोर चलाते हैं, फिर छोटी घंटी भी बजाते हैं, फिर कुछ नहीं होगा। ना कुछ नहाए ना कुछ धोए ना कुछ घंटे बजाए हो, धोखे जन्म गवाए हो। आगे चलो। ना कछु नेती ना कुछ धोती, ना कछु नेती ना कछु धोती, ना कछु नाचे गाए हो, धोखे काहे बिगाड़ो। कहते हैं नेती धोती, ये योग की बात आ गई है कि धोती पहनो, नेती करो, रस्सी डालकर सांस को ऐसे साफ करते हैं, नेती धोती करते हैं उसे में। फिर आगे क्या कहा, ना कुछ नेती ना कुछ धोती, ना कुछ नेती ना कुछ धोती, ना कुछ नाचे गाए हो। हाँ, नाचने गाने से भी कुछ नहीं होगा, देखा नहीं कहीं तो ओ हो बड़ी बड़ी बामरियाँ रखी हुई हैं, बड़ी बड़ी बामरियाँ, कभी कभी मैं देख लेता हूँ ना कि दुनिया में क्या होगा, और बड़े बड़े तिलक लगाए हुए हैं। ओ छोड़ो तो लड़कियाँ बन गई हैं ऐसी गुरुआ, छोटी छोटी लड़कियाँ बार बार तेरे तक वो भी कथा करती और बस तालियाँ बजती हैं, नचते हैं, औरतें अलग नाचती हैं, आदमी अलग नाचते हैं। क्या कहा, क्या पखंड है ये। इस नाचने गाने से तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा मन स्थिर होगा, बल्कि तुम और गिर जाओगे। बाबा जी महाराज ने एक बात बताई, परम दयाल फकीर जी महाराज ने, कहते एक आदमी बड़ा नाचता था, नाचता और नाचते धोती ढीली रखनी उसने, धोती ढीली और ऐसे नाचना, धोती लोग बल्ले बल्ले कंटा बंटा भागता है, बड़ी बात समझ गया, ड्रामा है, धोखा है, लूट है, तुम्हें लूटा जा रहा है, इस लूट से बच जाओ, बैठो आराम से, कैसे तन थिर मन थिर, फिर क्या मिलेगा, सुरत निरत थिर होए, फिर तुम्हारी सुरत जो तुम हो वो शरीर और मन से ऊपर उठ जाएगी। फिर क्या मिलेगा, सुरत निरत थिर होए, कहत कबीर ता पलक को, इस समय का एक पलक, एक पलक पलक जिन अख चमकी, ये पलक है, कल्प न पावे कोई, इसको पाने के लिए लोगों के युग लग गए, लेकिन गुरु मिल गया तो फिर तो कुछ ना नाच भूल जाता है, ना गाना रहता है, ना नाच रहता है, कुछ भी नहीं रहता, तुम वो हो जाते हो जो तुम वास्तव में हो। क्या कबीर साहब ने जन्म बनाने की बात की है, धोखे नहीं बनना, अपना जन्म बनाना, कैसे कैसे बनेगा, सेल्फ डिसिप्लिन से बनेगा, अपने आप को जानने से बनेगा, इन पखंडों में पड़ने से नहीं बनेगा, इस पखंडों से तुम लूटे जाओगे, तुम्हें किसी जगह का नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा मैंने, परमदयाल जी महाराज ने बात बताई थी कि एक कर्नल था, वो किसी बड़े गुरु के पास गया, तो गुरु को कहता महाराज मुझे भगवान के दर्शन करवा देना, उसने कहा हाँ,
तुम ड्राइवर जानते हो, ड्राइविंग जानते हो? कह महाराज मैं ड्राइवर रहा हूँ, ड्राइवरी भी की है, तो तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ। तो 10 साल वो बड़े गुरु का ड्राइवर बना रहा और उसको भगवान नहीं नजर आया कहीं। वो तो कहे महाराज दिखाओ कि थे भगवान, और गुरु ने देखे हुए तो बताए भगवान कहाँ है, कौन है भगवान। उसने उस गुरु पर दावा कर दिया, दावा कर दिया। जब गुरु पर दावा हुआ तो चेले तो फिर तड़प उठे, कहा हे साडा गुरु बनना हो जाना। मेरी बात समझ गए? तो उन्होंने उसके साथ समझौता किया कि रब दे वास्ते तू रौला ना पा, तू 40,000 रुपया ले ला। तो 40,000 रुपया ले लिया तो महाराज जी को वो मिला, वो आदमी महाराज जी को मिला। तब बड़े गौम ना कहता, कहने क्या गुरु बने फिर दे आ, देखो मैं 40,000 रुपया उनको लिया। तो महाराज ने उसको बोला कि तू क्या बात करता है, तुम्हें भगवान भी अगर आ जाए कि आ जा, मैं इतने खड़ा मैंने देख रहा, तू नहीं देख सकता। उसका मैं लोग क्या मारा, महाराज कहते मैंने उसको बोला तू करेक्टरलेस है, तेरे को कौन भगवान दिखा सकता है, तेरा मन इतना चंचल है, तू गुरु का ही बुराई पर केस कर दिया, तुम्हें कैसे मिलेगा। बात मेरी समझ गए? फिर कहते मैंने उसको असलियत बताई, मैंने यहाँ सुना हुआ मकान, मैं वो बात नहीं कहता जो मैंने नहीं सुनी। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ तो दुनिया ऐसी है, बंधी हुई है, क्या कहूँ मैं, बाड़े होते थे बाड़े, मुर्गी खाने के भी बाड़े होते हैं, जानवरों के भी डेयरियाँ होती हैं, और क्या नाम है, बकरे बकरियों के भी बाड़े होते हैं, होते हैं ना, वो मुर्गियों को एक ही जगह रखते हैं, बकरे बकरियों को रखने वाले भी उसी में रखते हैं, वो अपनी बकरी को दूसरे बाड़े में नहीं जाने देते। मैं समझे, ऐसे हमारे गुरु हैं, एक का चेला दूसरे गुरु के पास चले गया, उसे मेरे को एक लड़का आ गया यहाँ सत्संग सुना, उस कमरे में मैं बैठा तो मैंने कहा बेटा आप कहाँ से आए हो, उसने अपना नाम बताया, मैं वहाँ से आया हूँ। मैं क्या कोई सवाल, कहता महाराज मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया, चलो मेरे को रोन लग गया बेचारा। 4-5 दफा आया तो फिर उन्हें मैंने टेलीफोन किया, बाबा जी मेरे तो फरंटी कर दिते मेरे साथियों ने कि तू गुमराह हो गया, तू गुरु ने धोखा दिता, तू फलाने चला गया, तू नर्क में जाएगा, मेरा तो कहना बुरा हाल करता, मेरे दसो। मैं क्या तू मेरे को नहीं आना भाई, जिते तू लगा उठे लगा रहा, मेरे को तो जो बात मैं कही उस पर चल, तेरा कल्याण हो जाएगा, ये तो हाल है, क्या कहा मैं। इसलिए तुम लोग आजाद होकर रहो, कभी दूसरे तेरे की कभी बात नहीं करना, ना ना निंदा करनी है, ना चुगली करनी है, जो भी मिले उन सबसे प्रेम से मिलो, जो भी आए उनको प्रेम से मिलो, और ये भी मत कहो कि ऐसी बाबे फकीर दे चेले तब भी तो बुरी नजर ना देखना उन्होंने, अच्छा तू उठे जाता है तभी तुम पसंद नहीं करना। मेरी बात मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात को, मेरे बाबे तो दुनिया बहुत डरती है, समझ गए ना, क्योंकि सच का डंडा सी ना उन्हें हाथ से। इसलिए ये क्या कह रहे हैं कबीर साहब, मैं तुम्हें कबीर बता रहा हूँ, मैं तुम्हें फरीद बता रहा हूँ, मैं तुम्हें गुरु नानक साहब की बाणी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने सतगुरु की बाणी बता रहा हूँ। फिर भी अगर धोखे में रहोगे तो फिर वो जाने और तुम जानो भाई, आगे चलो। सिंधी सेली भभूत बटुआ साई सांग से न्यारा हो, तुमने ये सांग निकाला हुआ है ना, गले में कई तरह की मालाएं डाली हुई हैं, कई तरह के तिलक लगाते हो, कई तरह के तुम चोले डालते हो, ये क्या है, ये तमाशा है, वो इन चीजों से न्यारा है, वो उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों को सिर्फ, मेरे पास एक दफा एक साधु आया, ध्यान से सुनना, बहुत साल हो गए वही ऊना में, और लखनऊ रंजन, मैं क्या आभार, मैं क्या
निरंजन देखा आपने, उसको मैंने पूछा औलख निरंजन आपने कहा आपने निरंजन देखा, कहते आप मुझे सवाल करते हो। मैं कहा मैं सवाल नहीं करूंगा, मैं और भी कुछ कहूंगा। ये क्या क्या ड्रामा बनाया हुआ तुमने, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, तुमने इसको क्या ये भैंसा बने हुए हो, क्या कपड़े पहने हुए तुमने, किस लिए मांगते फिरते हो? तुम अगर संत होते तो तुम अलख निरंजन जानते, निरंजन देखा हुआ होता तो तुम्हें ये मांगने की जरूरत ही नहीं थी। वो गालियों देता चला गया, मुझे गालियों में तो बड़ा अच्छा किया तुमने, गालियों भी चल जा। आप समझ गए ना मेरी बात को, डराते हैं तुम्हें, धमकाते हैं तुम्हें कि तुम बस डर जाओ। एक लड़का है एक दिन, और जी आपकी किस्मत बहुत ऊंची है, मैं कहते हैं लिखी सी बताया लिखी सी, दौड़ जा सत्र मालूम नहीं था। मेरी किस्मत को तुम्हें क्या जाने, अगर तो मैंने तुम्हें कुछ देना भी होता आप नहीं दूंगा, दौड़ जा। बात समझ गए, सब अखंड है, इससे बढ़िया किसी भूखे को रोटी दे दो, इनको ना दो, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। बात समझ गया मेरी आपको, आगे बढ़े। काहे कबीर मुक्ति जो चाहो, काहे कबीर मुक्ति जो चाहो, मानो शब्द हमारा हो, धोखे काहे बिगाड़ो। कहते हैं अगर मुक्ति को चाहते हो, मुक्ति है ना, हाँ। अब कबीर साहब ने ऊंची बात कह दी, अगर तुम मुक्ति, मुक्ति क्या चाहते हो, मुक्ति क्या है, एक निर्वाण होता है एक मुक्ति होती है, निर्वाण क्या है, निर्वाण है बाण कहते हैं पंजाबी का शब्द है, ये कठोर पंजाबी का शब्द है, बाण कहते हैं आदत को, और तेनों की बाण पही है, इधर तुम माझे मालवे से जाओ ना, वो आदत नहीं कहते, मैं देखा ना हूँ, पता नहीं बदल गई भाषा, क्योंकि 20-25 साल 50 साल 50 मील के बाद भाषा बदल जाती है। ऊना की भाषा पंजाब से मिलती है, हमीरपुर में जाओ भाषा और है, मंडी में जाओ भाषा और है, मैं तो सारे गया ना, धर्मशाला जाओ भाषा और है, वो अलग अलग शब्द हैं। बाण मीन आदत, हमारे मन की आदत है कि हर वक्त सोचना, हर वक्त संकल्प करना, हर वक्त किसी विचार में डूबे रहना, ये ना। जब मन इन विचारों से, इन कल्पनाओं से, इन संकल्पों से आज़ाद हो जाए, इनसे निकल जाए, ऐसे ही ना सोची जाए हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, तुम जब भी अपने मन से ऊपर उठ चल जाते हो, तुम्हारा निर्वाण हो गया, तुम्हारी आदत एक बार बार इस भवसागर में डूबने की आदत खत्म हो गई। भवसागर क्या, ख्यालों की दुनिया, बात समझ रहे, अगर तुम ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल गए थोड़ी देर के लिए, नाम जपते हुए या सिमरन करते हुए गुरु की मूर्ति से जा मिले, तो तुम्हारा निर्वाण हो गया। क्या कहा मैंने, अब रही मुक्ति, मुक्ति तो चार स्टेजेज हैं, मुक्ति की चार स्टेजेज हैं, वो तभी मिलेगी जब कबीर की इस बात को मानोगे। ज़्यादा लंबा हो जाएगा सत्संग, मुक्ति बोल दूँ, मुक्ति के बारे में कह दूँ, नहीं फिर कहूँगा क्योंकि मेरे पास सज्जन बैठे हैं, मुझे इशारा है और एक घंटा हो भी गया, आप मेरी बात समझ गए। मैं इस पर आपको 13 तारीख को बोलूँगा, 13 तारीख की बैसाखी को बोलूँगा, हम कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करते हैं और कहाँ जाएंगे, वास्तव में हम हैं क्या, हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहते, कबीर साहब कहते, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो मेरे शब्द को मानो। क्या शब्द को मानो, कि एक कम नहीं करने जड़े लिखे आ एक कम नहीं करने, घंटियाँ नहीं बजानियाँ, अपने आप को नियंत्रण में करना है, अपने आप को उसके साथ जोड़ना है। किसको जोड़ना है, मन को नहीं, मन नहीं वहाँ पहुँच सकता, शरीर भी वहाँ नहीं पहुँच सकता, मन की, शरीर की सीमा है, हमारी शरीर की सीमा क्या है,
घर से चले मानवता मंदिर आ गए, घर से चले मंदिर चले गए, किसी मंदिर चले गए, घर से चले तो कहीं तीर्थ स्थान पर चले गए। यही सीमा है ना हमारी, इससे ज्यादा तो नहीं है। मन की सीमा शरीर से बड़ी है। मन वहां तक जाता है जहां तक इसने कुछ देखा हुआ है। जो नहीं देखा वहां मन नहीं जा सकता। जा सकता है बताओ? मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा, मेरा मन ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मैंने इन आंखों से अमेरिका देखा है, न्यू जर्सी देखी है, वर्जीनिया देखा, जो और देखे वो मैं एकदम आंख बंद करूं तो मैं वर्जीनिया पहुंच जाता हूं, आंख बंद करूं मैं न्यू जर्सी पहुंच जाता हूं, क्योंकि मैंने वो देखे है ना। तो मेरा मन वहां तक ही जाएगा जहां तक मैंने कुछ देखा है। समझ गए मेरी बात को? ऐसे हमारी आत्मा है। आत्मा क्या है? वो प्रकाश रूप है। जब हम आत्मा में चले जाते हैं तो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या? ज्ञान कि जैसे ये 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 कमरा है, इसके ऊपर एक और कमरा, इसके ऊपर एक और कमरा, एक ऊपर और। अगर हम ऊपर वाले कमरे में चलेंगे सारा शहर नजर आएगा। कुतुब मीनार है दिल्ली में, बहुत बड़ा ऊंचा, मैंने वहां चढ़ के देखा तो वहां से सारी दिल्ली नजर आती है। ऐसे ही जब हम इस शरीर और मन से निकलकर आत्मा में आ जाते हैं तो हमें दुनिया का ज्ञान हो जाता है। क्या कहा? उसको कहते हैं आत्मज्ञान। ठीक है। और इसके परे एक और चीज है, वो क्या है? वो तुम हो। अगर तुम वहां पहुंच जाओ तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा जो अनलिमिटेड है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई 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 अंतहा है, बेअंतहा है। तेरी दिला कौन जाने, तू तो बेअंत है, बेअंत है, बेअंत है। इसलिए संतों ने फिर बाद में ये कह दिया, बलहारी जाऊं, बलहारी जाऊं। किसके? कुदरत, जो कुदरत बसया, जो कुदरत में बस रहा है। बलहारी जाऊं कुदरत बसया, तेरा अंत न जाए लिखिया, तेरा अंत नहीं जाया जा सकता। तू हर जगह है, तू हर स्थान पर है, तू हर चीज में है, मगर हमारी देखने की नजर नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सत्संग यही समाप्त करता हूँ। आप लोग सुखी रहो, आप थोड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत जमात क्या करनी है? मेरी बात समझिएगा। जितने भी आए हैं तुम सुखी रहो, तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, तुम्हारे घरों में शांति हो, तुम्हारे घरों में प्रेम हो, फिर देखो तुम्हारी सब मनोकामना अपने आप पूरी होगी। आप सबको प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।